आरती, हमने कभी सपने में नहीं सोचा था कि आप हमारी हो जाओगी, क्योंकि आप जैसे एक चांद और हम जैसे चांद पे दाग लगा हुआ जो उसकी खूबसूरती कम करता है। आप नहीं जानते कि आप हमारे लिए क्या है। आपको पाकर आज हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी पूरी हुई है। नमस्कार, सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक में मैं पूजा गौर आपका स्वागत करती हूँ। हमारी आज की कहानी बिहार के एक छोटे से गांव छपरा में बसे दो परिवारों की है, जो अपने बच्चों सिद्धार्थ और आरती की शादी से एक हुए थे। सिद्धार्थ छपरा में एक स्कूल टीचर था और आरती अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। शादी की सारी रस्में निभाई गई थी, सब खुश थे, लेकिन अचानक सिद्धार्थ के कमरे में उसके बेड पर उसकी दुल्हन की बजाय सांप कैसे लेटा हुआ था? और सिद्धार्थ उस सांप को देखकर रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा था? आखिर क्या रहस्य छुपा था इसके पीछे? आइए देखते हैं। अरे भोलेनाथ, श्रीवास्तव साहब, ये हमारे शहर का सबसे पुराना और बड़ा मंदिर है और भोले बाबा का महिमा अपरंपार है। छोटे बड़े पर्व त्योहार में तो यहाँ मेला जैसा लग जाता है और शादी ब्याह भी बड़ा धूमधाम से होता है। सच में बहुत सुंदर है, कितना बड़ा है ना, साफ नजर आ रहा है कि श्रद्धालुओं ने बहुत अच्छे से इस मंदिर की देखभाल की है। हाँ अम्मा, अम्मा हम ना भैया की शादी ना इसी मंदिर में करेंगे और हाँ, ये पूरा मंदिर हम खुद से सजाएंगे। माला बिटिया, एक नंबर की बात बोली है। अब तो सिद्धार्थ की नौकरी भी पक्की हो गई है। अरे कोई बढ़िया सी लड़की देख करके शादी भी पक्की कर दीजिए। अरे हम तो कब से तैयार है बहू लाने के लिए, लेकिन सिद्धार्थ हाँ करे तब ना। पता है पापा क्या है, चाचा जी तो तीली लगा के भाग जाते और आग हमें बुझानी पड़ती। अरे पापा भी मैं तैयार नहीं हूँ, बहुत काम करना है मुझे। ओ, ओ, अरे घर में लक्ष्मी आएगी ना तो अपना सौभाग्य लेकर आएगी, तू देखना मकान भी बन जाएगा और तू काम में भी बहुत तरक्की करेगा। हाँ अम्मा। सांप देखते ही इसके हाथ पैर फूल जाते हैं, तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सांप ने डसा नहीं मेरे बेटे को। अरे बेटा लेटा रहना,
नहीं माँ, बस। कैसी तबीयत है बेटा तुम्हारी? तुम सांप को देखकर बेहोश हो गए थे, वो तो मेरी बेटी ने तुम्हें देख लिया और वो यहाँ घर पे ले आई। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया मेरा नहीं, मेरी बेटी का करूँ। अंकल आप प्लीज बैठिए ना। ये मेरी बेटी आरती कॉलेज में पढ़ती है, अव्वल आई है और अब प्रोफेसर बनना चाहती है। हमारा सिद्धार्थ भी तो टीचर है, गणित और विज्ञान पढ़ाता है और साथ साथ पढ़ाई भी पूरी कर रहा है। आपकी बेटी बहुत गुणी है और कितनी सुंदर भी है, और चाय भी बहुत स्वादिष्ट बनाई है। बस बहन जी, अब तो बस ऊपर वाले से यही इच्छा है कोई अच्छा सा परिवार मिल जाए, इसके गुण को देखकर अपना ले। आपने बिल्कुल सही कहा, माता पिता बच्चों की खुशियां चाहते हैं। हम तो सिद्धार्थ को समझाते समझाते थक गए कि हमारा बुलावा आने से पहले बहू ले आए। जी देखिए, मैं अगर आप अनुमति दें तो मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहूंगा। बेटा ये क्या कह रहे हैं? ऐसा रिश्ता थोड़ी होता है। रिश्ते के लिए जान पहचान बहुत जरूरी होती है और दो परिवारों के बीच में तो मेल मिलाप भी जरूरी है, और फिर कुंडली। पापा जान पहचान तो हो जाएगी। हाँ अगर इन्हें हम पसंद नहीं है तो बात अलग है। आप बोलिए। अब मैं क्या बोलूं? पक्की समझे? की तो छोड़ो, हमारे समय में तो ये नहीं आ रहा है कि बहू रानी कहाँ गई। अरे अभी तुम ही सब तो सिद्धार्थ को कमरे में ले गए थे ना, अब तक तो बहू रानी थी ना कमरे में। हमने दो मिनट पहले ही भाभी की आवाज सुनी थी, दरवाजे से घूमकर जब तक हम खिड़की पर पहुंचे वहां भाभी के बजाय वो खुद काम लेटा हुआ था, हम तब नहीं देखा। तुम सबकी अकल पर ताला पड़ गया है, ताला। हाँ वो लड़की कोई साधारण लड़की नहीं, इच्छाधारी नागिन है। और रितुका, सिद्धार्थ से ब्याह होते ही पहले उसने हमारे सिद्धार्थ को बस में किया और फिर आ गई अपने असली रूप में। सिद्धार्थ समझ रहा था वो उसकी बहुरिया है, इसीलिए इतना हल्ला होते हुए वो तुम सबकी बात नहीं सुन रहा था। अरे ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है? अरे वो लड़की नहीं है, नागिन है, नागिन। हमारे सिद्धार्थ कौन नागिन से भी आ करवाया गया है, हम उस नागिन के पैदा करने वाले को नहीं छोड़ने वाले। बुलाओ, बुलाओ उसके परिवार वाले को। हाँ हाँ बुलाओ उसको।
क्या बात है संजीव जी, इतनी देर रात फोन करके बुलवाया, सब ठीक ठाक है ना? अरे ठीक कैसे हो सकते है जब हमरे बिटवा की शादी एक नागिन से करा दिए तुम लोग। समथन जी, जे कह रही हैं आप? समथन? अरे काहे की समथन, इच्छाधारी नागिन का ना किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं हो सकता। अरे कैसी बातें कर रही है बहन जी, कौन सी नागिन, कैसी नागिन, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आरती कहाँ है? तुम्हारी आरती अपने असली रूप में आ गई है, उस कमरे में नागिन बनी बैठी है। देखिए हम लोग तो जी घबरा रहे हैं, साफ साफ बताइए ना आगे बात क्या है। कैसा घटिया मजाक कर रहे हैं आप लोग? ये मजाक नहीं है, अगर आप लोग को विश्वास नहीं ना हम पर तो यहाँ मौजूद सब पूछ लीजिए, इन्होंने अपनी आंखों से देखा है आरती को नागिन के रूप में। अरे क्या बकवास कर रहे हो, ना ही मेरी बेटी नागिन है और ना ही तुम्हारे अंधविश्वास पे मेरा भरोसा है। बेटी है हमारी, बचपन से उसे बड़ा किया है। तूने मेरी बेटी के साथ कुछ किया होगा। छोड़ेंगे नहीं तुम लोगों को, तुम लोग सब मिले हुए हो, लोग समझते हो तो इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ करूंगा नहीं। अरे हम पुलिस में जाएंगे, तुम्हें एक एक को जेल करा देंगे। ए, जिसके पास जाना है जाओ, ये लोग भी अकेले नहीं हैं, हम सब इनके साथ हैं। सब साथ हैं, देख रहे हो, पुलिस जा रहा है। ए श्रीवास्तव जी, अरे इन लोग को जो करना है ना करने दीजिए, समझ गए ना आप? अरे सबसे पहले हम लोग को उस नागिन को इस घर से निकालना है, ठीक ना? और नहीं तो किसी को डस लेना लेनी की देनी पड़ जाएगी। सपेरे को बुलाओ, इच्छाधारी नागिन है नागिन। हम सब ने इच्छाधारी नागिन के बारे में कहानियों में, फिल्मों में सैकड़ों बार देखा और सुना है, पर क्या वाकई में ऐसा हो सकता था कि एक इंसान एक नागिन का रूप धारण कर ले? विज्ञान ऐसे अंधविश्वासों को नहीं मानती और ना ही आज तक इच्छाधारी नाग के सच होने का कोई भी सबूत मिला है। बस कहीं सुनी बातों में ऐसी घटनाओं का जिक्र होता है, तो सिद्धार्थ के परिवार के साथ जो घट रहा था वो क्या था, या बात कुछ और ही थी जो अभी किसी के समझ में नहीं आ रही थी? देखिए अब आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने इस नागिन को अपने गुरु मंत्र से सम्मोहित कर लिया है, ठीक है? अब हम चलते हैं। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, यही है वो लोग जिन्होंने मेरी बिटिया के साथ ना जाने क्या क्या किया और उल्टा उल्टा हम पे आरोप लगाया कि मेरी बिटिया इच्छाधारी नागिन है। इनकी बेटी को बुलाइए। अरे इंस्पेक्टर साहब, इनकी बिटिया इस पोटली में है। अरे वो नागिन है, नागिन, इच्छाधारी नागिन। बंद कर बकवास अपनी, अपनी बेटी है वो, हमने उसे पैदा किया है, 22 साल पहले है, कुछ भी बके जा रहे हो। अरे तो काहे झूठ बोल रही हो, तुम तो उसके असली रूप में देखी ही होगी। एक मिनट, मुझे बात करने दीजिए। आप लोग लड़के के माँ बाप कौन है? ये लो लो। आपको लगता है कि हम इनकी बातों में आ जाएंगे? आप लोगों में सबसे पहले सांप को किसने देखा? हमने देखा था, और हमारे साथ हमारी सहेलियों ने भी देखा था। क्या देखा आपने? हम सबने देखा है। इंस्पेक्टर साहब, वैसे एक बात गांठ बांध कर रख लीजिए, उस नागिन ने इस घर को देख लिया है और अब वो दोबारा यहाँ जरूर आएगी। मैं उसे चाहे जहां ले जाकर के छोड़ूंगा, वो इस जगह पे जरूर आएगी। अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो आज ही रात को यहां से चले जाइए, चले जाइए, चले जाइए यहां से। ना जाने कौन से जन्म का बदला लिया इनकी बिटिया ने हमारे साथ, अरे घर से बेघर कर दिया, कहां जाएंगे हम लोग? आप मेरी बिटिया को ढूंढ दीजिए, वो हमारी बिटिया एकलौती है। देखिए आप ऐसा मत कीजिए, प्लीज ऐसा मत कीजिए,
ये मेरा काम है। हम इन कहानियों पर विश्वास नहीं करते और ना ही ये सारी बातें हमारे इन्वेस्टिगेशन में रुकावट पैदा करती हैं। आप लोग कल सवेरे पुलिस स्टेशन में आइए और रिपोर्ट दर्ज कराइए। आप भी सुबह आइए, रिपोर्ट दर्ज कराइए। चलिए। पुलिस सिद्धार्थ के परिवार की बात मानने को तैयार नहीं थी और ना ही अपनी रिपोर्ट में इच्छाधारी नागिन की बात लिखी जा सकती थी, लेकिन साथ ही पुलिस माला और उसकी सहेलियों की बात को झुठला भी नहीं पा रही थी। तो आखिर सच क्या? क्या ये कोई साजिश थी? आखिर कौन कर सकता था ऐसा? क्या सिद्धार्थ के परिवार वालों ने कुछ किया था या आरती के परिवार वाले इसमें शामिल थे? आखिर कैसे एक कमरे से एक नई नवेली दुल्हन गायब हो गई और उसकी जगह पर सांप पहुंच गया? गायब होने वाली लड़की का नाम? आरती। आरती सिद्धार्थ श्रीवास्तव। ना, अरे उस नागिन के साथ हमारे परिवार का नाम जोड़कर हमारा नाम खराब मत करो। अरे कोई रिश्ता नहीं है हमारा उससे। इंस्पेक्टर साहब, अब आप ही हमारी मदद कीजिए। हम तो ठीक से इन लोगों को जानते तक नहीं है। अभी 4 महीने पहले हमारे बेटे का इस गांव में तबादला हुआ और पता नहीं किस मनहूस घड़ी में उसने इनकी लड़की को देखा और उसके बस में आ गया और अब हम इस मुसीबत में फंस गए। गायब नहीं हुई है, वो अपने सच्चे भेष में आ गई है। वो तो भला हो माला बिटिया का, जो कि सही वक्त पर उसने देख लिया और सिद्धार्थ की जान बच गई। देखिए जो हुआ उसकी जांच चल रही है और जब तक कोई सुराग ना मिले आप लोग ऐसी अंधविश्वास की बातें मत कीजिए, क्योंकि या तो ना हम मानेंगे और ना ही कानून मानता है। इंस्पेक्टर साहब, हमने आप चुप रहिए। आपसे जब कुछ पूछा जाए तभी बोलिए और जाइए, बाहर बैठिए। जब आपकी जरूरत होगी आपको बुला लिया जाएगा। जाइए। जैसे आप कहिए, हमको क्या है, हम चले जाते हैं, कोई बात नहीं। बाहर बैठिए। देखिए, हमने अपनी जांच शुरू कर दी है और आपकी बिटिया की तस्वीर हर पुलिस स्टेशन में भेज दिया। हमारे रिकॉर्ड के लिए वो गुमशुदा है। जब भी उसके बारे में कुछ पता लगेगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है? घबराने की जरूरत नहीं। जाइए, आप लोग घर जाइए। आप भी जाइए। अरे क्या हुआ? वो दरोगा क्या बोला? वो आरती की गायब हो जाने की पूरी छानबीन कर रहे हैं। अरे पाताल तक ढूंढेंगे तो भी वो लड़की हाथ नहीं आने वाली। पढ़े लिखे गवारों को क्या पता, तो उनके सामने भगवान खुद आ जाएंगे तो उसे भी हवालात में डाल देंगे। देखिए श्रीवास्तव सर, आप उनकी चिंता छोड़ दीजिए, आप अपने परिवार का चिंता कीजिए, इनके बारे में सोचिए आप। बिल्कुल सही कह रहा है मोहन, जान है तो जान है। इससे पहले कि तुम्हारे लड़के को कुछ हो जाए शहर छोड़कर चले जाइए। और तो कुछ याद नहीं कि उस सपेरा का बोला था, लेकिन वो कहा था कि वो नागिन फिर आएगी और सिद्धार्थ की जान को खतरा है। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो सभी जगह से फंस गए। आप पुलिस का चिंता मत कीजिए, उनको हम संभाल लेंगे। आप अपने परिवार का चिंता कीजिए और परिवार को लेकर के इस शहर से कहीं दूर चले जाइए। बिल्कुल ठीक है, आप शहर चले जाइए। अरे अरे भाई साहब, हम ले चल रहे हैं ना। नमस्ते साहब, आप यहाँ का चिंता छोड़ दीजिए, हम है ना, जैसे ही आपको नए शहर में मकान मिल जाता है आप हमको खबर कर दीजिएगा, हम यहाँ से सब सामान भेज देंगे। भाई साहब, आप हमें बहुत मदद किए, हम हमेशा आपका ये साथ। अरे बहन जी, काहे शर्मिंदा कर रही हैं हमको, हैं? चलिए। अरे माँ, उदास मत हो, हम सब साथ तो हैं ना, हम सब साथ हैं तो पूरा परिवार है, और जहाँ परिवार एक साथ होता है वही तो घर होता है ना। चल। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? इंस्पेक्टर साहब, देखिए हमें रोकिए मत, हमें जाने दीजिए, हम यहाँ किसी कुछ नहीं चाहते,
यहाँ तक कि हमें आरती के परिवार से भी कोई गिला नहीं है, हमें बस अपने परिवार की चिंता है, हमें जाने दीजिए। चलिए, ये सब बातें होती रहेंगी, आप सब लोग पुलिस स्टेशन चलिए। चलिए तो वही सपेरा जी, ये वही सपेरा है और इसकी लाश कल रात जंगल में मिली। डॉक्टरों के मुताबिक इसकी मृत्यु आपके काटने से हुई। हे भगवान, ये तो उसी नागिन का काम लगता है। कहाँ है वो नागिन? देखिए, वहां ना तो कोई पिटारा था और ना कोई नाग या नागिन। वो इच्छाधारी नागिन अब हम लोगों को भी नहीं छोड़ेगी। देखिए, आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है तो हम आज ही दो हवलदार प्रोडक्शन में लगा देते हैं। आप अपने हवलदार ना अपनी सुरक्षा के लिए रखिए, हम तो अब इस गांव में एक पल भी नहीं ठहरेंगे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम आपकी तहकीकात में आपकी पूरी मदद करेंगे, लेकिन अपनी जान जोखिम में डालकर नहीं। हम जल्द से जल्द ये शहर छोड़कर चले जाएंगे और हम जहां जाएंगे ना, जिस नए शहर में जाएंगे वहां की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे। हमें जाने दीजिए। सब यहाँ से व्यवस्था करके आपका ये करेंगे, व्यवस्था करके हम सब भिजवा देंगे। किसी तरह का टेंशन नहीं। पापा, एक मिनट, देखा क्या पापा? मोहन जी, हाँ, कौन है तू और हमारे घर में कैसे घुस आई? ये शादी का जोड़ा ये कहां से मिला तुझे? ये हमारे ही तो शादी का जोड़ा है माँ जी, यही पहनकर तो हमारी और सिद्धार्थ की शादी हुई थी। माँ जी, आप ही ने तो उस दिन हमें उस कमरे में भेजा था और जब हम अपने असली रूप में आए तो सब हमें देखकर घबरा गए। असली रूप? कौन सा असली रूप? नागिन का रूप पिताजी, हम इच्छाधारी नागिन हैं। और उस दिन वो सपेरा हमें पकड़कर अपने साथ ले गया। क्या बकवास किए जा रही है? हाँ, सस्ते बता है कौन तू? माँ जी, हमारा विश्वास कीजिए, हम ही आपकी बहू आरती हैं। हम इंसान के चोले में पैदा हुए थे और सिद्धार्थ भी, हमारा मिलना तो हमेशा से ही तय था, ये तो सदियों से चला आ रहा है। माँ जी, यही तो नियम है हम इच्छाधारी नागों का, हम अलग अलग रूप में पैदा होते हैं
और जब अपने जीवन साथी से मिल लेते हैं तो अपने असली रूप में आ जाते हैं। उस दिन सिद्धार्थ भी अपने असली रूप में आने ही वाले थे, पर आप सब उन्हें हमसे दूर ले गए। पर अब हम उनसे दूर नहीं रह सकते, इसीलिए हम इन्हें लेने वापस आए। अरे बेवकूफ समझाया क्या हम लोगों को? हाँ इंस्पेक्टर साहब, ना तो ये हमारी बहू आरती है और ना ही मेरा बेटा कोई इच्छाधारी नाग। अरे ये तो एक ठग है, ठग जो आरती के नाग होने के समाचार सुन के यहाँ घर को लूटने आ गई है। आप ऐसा कीजिए, हथकड़ी लगा के ले जाइए इसको, पुलिस स्टेशन में लेके जाइए। एक मिनट, हमें पूछने दीजिए, आप लोगों में से किसने यहाँ इसे आते हुए देखा? अरे दरोगा साहब, किसी ने कहा, हम सब ने देखा। वो नागिन के रूप में आई, सीधा अपने कमरे में गई और जब सब लोग पकड़ने गए तो वो लड़की के रूप में खड़ी थी। आप लोग ये क्या कहे जा रहे? अरे ये कोई इच्छाधारी नागवाग नहीं है, ये लड़की ठग है। भाभी जी, हम समझते हैं आपकी मनोदशा ठीक नहीं है, लेकिन ये लड़की बिल्कुल ठीक कह रही है। हम भी यही थे, इच्छाधारी नागों के जोड़े होते ही हैं। और फिर हमें तो खुश होना चाहिए, तो अपने जीवन में इच्छाधारी नागों को देखने का मौका मिला। अरे ये लड़की ठग है। देखिए इस तरीके से विवाद बढ़ता ही रहेगा और हल नहीं निकलेगा। अगर ये लड़की फ्रॉड है या ठग है तो इसका कोई ना कोई रिपोर्ट तो हमारे पुलिस स्टेशन में होगा ही। आप सभी लोग पुलिस स्टेशन में आइए, हम आरती के माँ बाप को ही बुलवा लेंगे। आप भी आइए। आप तो सब जानते हैं, समझाते क्यों नहीं इन्हें कि हम ही आपकी आरती हैं? ये लड़की तो अपने आप को हमारी बहू कहती है। हमारी बहू ऐसी दिखती थी, ऐसी तुम्हारे जैसे नहीं। तो हमें ठगने आई है ना? हम इतने बेवकूफ नहीं है, समझे? पिताजी आप तो जानते हैं कि हम एक इच्छाधारी नागिन है, और ये तस्वीर जो आप हमें दिखा रहे हैं ये सिर्फ हमारा एक इंसानी रूप है। हमारा असली रूप तो ये है पिताजी। सिद्धार्थ हमारी आंखों में देखिए, क्या हमारी आंखों में आपको अपने लिए प्यार नहीं दिखाई दे रहा? दिमाग से नहीं सिद्धार्थ, दिल से देखिए और पहचानिए हमें। माँ पिताजी आप तो पहचानिए हमें। क्या पहचाने, आखिर समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। पिताजी हमें पहचानने की कोशिश कीजिए। आपको याद है बचपन में जब आप हमें अपने साथ मेला लेकर जाया करते थे, कैसे आप जोर से हमारा हाथ पकड़ लेते थे कि हम कहीं भीड़ में फोन आ जाए। माँ याद है आपको, आप हमें कौन सी लोरी सुनाती थी? नन्ही कली सोने चले हवा धीरे आना, नींद भरे पंखली झूला झुलाना। याद है माँ, याद है। इंस्पेक्टर साहब ये सब इनकी चाल है। पता नहीं ये परिवार हमारे साथ कौन सा खेल खेलना चाहती है। पहले इन्होंने अपनी बेटी जो इच्छाधारी नागिन थी उससे हमारे बेटे के साथ शादी करवा दी, और फिर इस ठग को हमारे माथे मार दिया। शायद सुना नहीं आपने कि तुम्हारे बिटवा से ब्याह के बाद ये हमारी बेटी नागिन बनी है, और अब जब वो वापिस आ गई है तो उसे स्वीकार करने से मना कर रहे हैं आप लोग। देखिए आप लोग शांत हो जाइए। देखिए श्रीवास्तव जी, ना तो हम आपकी बात को झुठला पा रहे हैं और ना ही आप इसके दावे को झूठा साबित कर पा रहे हैं। जहां तक इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, हमने इसके फिंगरप्रिंट्स के निशान ले लिए, इसकी जांच होगी। लेकिन अरे आज तो हम ये शहर छोड़ के जा रहे हैं। हमारे सिद्धार्थ को हमसे दूर लेकर जा रहे थे, लेकिन अब हम वापस आ गए। सिद्धार्थ को अब हमसे कोई दूर नहीं कर सकता।
लाइए माँ जी, मैं खाना परोसती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, अपना काम कर। और श्रीवास्तव जी, सब कुशल मंगल है ना? घर में इच्छाधारी नागिन के साथ रहने में कुछ परेशानी तो ना हो रही ना तुम लोगों को? अरे जाने कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं ये आरती के परिवार वाले हम सबसे। जीना हराम कर दिया है हमरा। हम अपने तजुर्बे से एक बात कहते हैं, हमारे दूर के एक रिश्तेदार के घर में भी एक इच्छाधारी नागिन का वास था और उन्होंने उसको तो फिर क्या किया आपके परिवार वालों ने अम्मा? कैसे छुटकारा पाया उस इच्छाधारी नागिन से? कुछ नहीं किया। सब कुशल मंगल है, सब कुशल मंगल है। चल बिटिया, चल जल्दी। मोहन जी, आपने हमारी बहुत मदद की, ये एहसान कैसे चुकाएंगे हम? अरे क्या बात करते हैं श्रीवास्तव जी, ये तो हमारा फर्ज था। चलिए जी, पिताजी। बिटिया हमको माफ कर देना, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई बिटिया। हम इन लोग के भागने में जो मदद कर रहे हैं, हमको माफ कर देना श्रीवास्तव जी, हमको माफ कीजिए। कहां जा रहे थे आप सर? और सिद्धार्थ आप भी? अगर हमारे सिद्धार्थ को हमसे दूर करने की कोशिश भी की ना तो बहुत बुरा होगा। परेशान था, खुद को इच्छाधारी नागिन कहने वाली इस लड़की के साथ घर में रहना सिद्धार्थ के परिवार के लिए बेहद मुश्किल साबित हो रहा था। ये लड़की जो खुद को आरती कह रही थी, सिद्धार्थ के परिवार को मेंटली टॉर्चर कर रही थी। वो लोग इस समस्या का हल चाहते थे क्योंकि ना तो पुलिस के हाथ कोई सबूत लग रहा था और ना ही गाँव वाले उनकी कोई मदद कर पा रहे थे। माँ, हम कब तक अपने अपने खुद के घर पर ऐसे बंदी की तरह बनकर के जीते रहेंगे? इस लड़की ने तो हमारा जीना दुश्वार करके रखा है। अरे हर पल डर लगा रहता है कि अगले पल वो नागिन ना आ जाए। कुछ कर भी तो नहीं पा रहे, यानी कैसे हर जगह वो लड़की सामने आ जाती है। उससे छुटकारा पाने का बस अब एक ही तरीका है। आज रात ये मैं माला, सिद्धार्थ अपने कमरे में ही है। सबसे पहले हम लोग कमरे में घुसते ही लड़की के हाथ पर पकड़ लेंगे
और जब वो हमारे काबू में आ जाएगी ना तो हम उसे बांध देंगे। लेकिन उसे सिर्फ डराना है, हाँ उसके मुंह से सच्चाई उगलवानी है। अगर उसमें सच्चाई नहीं उगली तो हमें उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ सकती है। अरे माँ जी, आप सब यहाँ इस वक्त कहाँ है? मेरा सिर्फ कहाँ है मेरा बेटा? ये तो रहे माँ जी, पहचाना नहीं आपने। क्या बकवास कर रही हो? बकवास कैसे पिताजी, सुहागरात की रात जो खेल शुरू हुआ था वो पूरा तो हो नहीं था, सो आज हो गया। अब सिद्धार्थ भी पूरी तरह से एक इच्छाधारी नाग बन गए और हम दोनों को अब कोई जुदा नहीं कर सकता। तू ऐसे नहीं मानेगी, बांध दो इसे। ऐसे नहीं मानेगी। देखिए माँ जी, आपकी जो मर्जी आए आप कर लीजिए, सिद्धार्थ को हमसे अब कोई जुदा नहीं कर सकता। अब वो सिर्फ मेरे हैं और अब आपका बेटा आपको कभी नहीं मिलेगा। बकवास कर दी है, पता कहाँ है मेरा बेटा? बोल बोल बोल, कौन है तू? अच्छा खेल खेल रही है हमारे साथ? बोल बता मुझे। मैं कोई नागिन नहीं। मैं आरती की तरह आरती भी कोई इच्छाधारी नागिन नहीं है, ये आप भी बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। आरती की शादी पर तो मैं टाइम पर नहीं पहुंच पाई, पर जैसे मुझे पता चला कि मेरी बहन को एक इच्छाधारी नागिन करार दे दिया गया, ये जानकर तो मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती थी, तभी मैं यहाँ आई और सारे मामले की जांच की, और तभी मुझे पता चल गया था कि ये इच्छाधारी नाग की बात ये सिर्फ एक ढकोसला है और सच्चाई तो कुछ और ही है। फिर यहाँ की पुलिस से मिलकर मैं आप ही के करा दूंगी और ये सारा खेल रचा ताकि सच्चाई सामने आ सके। अरे माजी, क्या हुआ? बताओ आरती कहाँ है? कहाँ छुपा रखा है मेरी बहन को? छोड़ो। हाँ हाँ, आरती को कहाँ छुपा रखा है तूने? वो बाजू वाले कमरे में। आरती! और? ए! हम तो कुछ और नाम नहीं, तो कुछ नहीं बिगाड़। अरे तो हम तेरा क्या बिगाड़? फुल कुमारी, चलना भी नहीं, उठो। आरती, आरती, आरती।
पता कब से खेल रहा है ये खेल, तो तीन लड़कियों को बर्बाद किया है। हम लोग एक ही परिवार के, देखो एक ही परिवार के, पैसों की लालच में आकर हमने देह तस्करी का काम शुरू कर दिया। मैं पढ़ा लिखा हूं, इसलिए मुझे शादी की लड़कियां बहुत जल्दी मिल जाती। मैं छोटे छोटे गांव और कस्बों में जाकर शादी कर लेता और फिर उन्हीं गांव वालों को अंधविश्वास का झांसा देकर उन्हीं लड़कियों को नागिन नागिन साबित कर देता और उसके बाद वो गांव छोड़ देता और दूसरे गांव में भी जाकर वही प्लान बनाता। वो सपेरा भी हमारे साथ मिला हुआ था, लेकिन उसका लालच बढ़ गया। इस बार हमें धमकी देने लगा, उसे रास्ते से हटाना पड़ा। हमारा प्लान तो इस बार भी सफल ही होता, लेकिन उस लड़की ने हमें फंसा दिया। भारती तुम बहुत खुशनसीब हो, बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हें पूजा जैसी बहन मिली। इसने तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारी जैसी बहुत सारी लड़कियों का उद्धार किया और एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश भी हो गया। थैंक यू पूजा। सिद्धार्थ अपने परिवार के साथ मिलकर कई राज्यों के छोटे छोटे गांव में ऐसा घिनौना खेल खेल चुका था, लेकिन आरती के परिवार ने ऐसे अंधविश्वासों से ऊपर उठकर उसे फ्लैश ट्रेड यानी कि देह तस्करी का शिकार होने से बचा लिया। सिद्धार्थ और उसके परिवार को अदालत ने इस पूरे मामले का गुनहगार पाते हुए इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 5A 5B IPC सेक्शन 120B 417 और 419 और साथ ही सपेरे की हत्या करने के जुर्म में IPC सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। वहीं दूसरी ओर मोहन को आपराधिक षड्यंत्र रचने के लिए IPC सेक्शन 120B के तहत 2 साल की सजा हुई, साथ ही 50,000 का जुर्माना भी हुआ। यह पहली बार नहीं हुआ था। लोग कई बार ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटीज को देखते हैं, उनके बारे में सुनते हैं और पढ़ते भी हैं, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाओं से सीख नहीं लेते। इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि आप ऐसी किसी भी बातों पर विश्वास ना करें जिनका कोई भी सबूत ना हो, और हमेशा सतर्क रहे। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात एक और ऐसी सत्य घटना के साथ। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान।